हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचिका और ये आप सामान देख रहे हैं, चलनी, लोटा और लोटे का दिया और एक छोटी सी दिया। तो ये मैं करवा चौथ के लिए तैयार करने वाली हूँ। ये देखिए, लोटा है, पीतल का लिया है मैंने, और ये भी पीतल का, इसका कटोरी है ढक्कन, और ये दिया छोटा सा, इसके लिए भी मैंने पीतल की कटोरी ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए मैंने फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर लिया है, रेड कर रही हूँ मैं, सबका ही बेस रेड करूँगी इस तरह से। ये देखिए, पूरी चलनी कर लूँगी। तो ऊपर की साइड हो गई है, अंदर की साइड मैंने ये जो छोड़ा है, जहाँ पे मैंने थंब रख के पकड़ा हुआ है, इसी को पकड़ के अंदर की साइड भी कर लेना है इस तरह से। और अभी पूरा हो गया है, अब पकड़ने की जगह नहीं है तो मैंने इसको उल्टा रख दिया है, और इस तरह से मैं बिना पकड़े ब्रश से कर दूंगी पूरा कंप्लीट। ये देखिए, चलनी हो गई है, तो मैं इसको साइड कर दूंगी अभी थोड़ी देर के लिए, ड्राई हो जाए कलर, तब तक मैं दिया कर लेती हूँ। दिया को भी मैं रेड ही करूँगी। तो ये मेरा हो गया है अभी अंदर की साइड, और बड़ा वाला दिया भी कर लेती हूँ। तो ये भी हो गया है, इसके बाद मैं लोटा भी रेड से ही करूँगी, इसको भी पूरा कर लूँगी रेड से, बाहर बाहर ही करूँगी, अंदर कुछ भी नहीं। और अब ये थोड़े से सूख गए हैं, तो इनको मैं बाहर की तरफ भी कर लूँगी और पलटा के रख दूँगी जब उल्टा, तो इसकी पेंदी वगैरह भी हो जाएगी अच्छे से। ये देखिए, सारे हो गए हैं, ड्राई भी हो गए हैं सारे। ये देखिए, दोनों साइड कर लिया है। और इसके बाद अब मैं लोटे में येलो एक्रेलिक कलर ले रही हूँ, और मैंने छोटी सी सींक ली है, उससे मैं इस तरह से डिज़ाइन बना दूँगी। ये देखिए, हल्का सा डिप करके डॉट रखना है और उसको लाइन में मिला देना है। ये देखिए, कंप्लीट कर लिया है, इस तरह की डिज़ाइन बना ली, और लोटे में मैं फोर जगह पे बनाऊंगी, तो ये बन गई है। ये देखिए, और चलनी में भी मैंने नीचे की साइड यही डिज़ाइन बना ली है, येलो से ही पूरी तरफ बना ली है। और इसके बाद मैं ले रही हूँ लटकन वाली लेस, ये मैं लगाऊंगी अब। तो मैं लोटे में इस तरह से पहले फेविकोल लगा लूँगी चारों तरफ गले में ही, और इसको कट कर लिया है मैंने, गले के नाप का ही लेस कट कर ली पहले से, इसको चिपका दूँगी थोड़ी देर के लिए। इसको जहाँ पर जॉइंट आया है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड करके रखूँगी, फेविकोल सूख जाएगा तभी ये चिपकेगी। तो सूख गई है अब, और इसमें अब मैं स्वास्तिक बना लेती हूँ। ये देखिए, स्वास्तिक बना लिया है, और इसी तरह से मैंने फाइव बना लिए हैं। ये देखिए, पूरे लोटे में फाइव हैं। और इसी तरह से सेम लेस मैंने चलनी में भी लगा ली है ऊपर की साइड। ये देखिए, फेविकोल से ही चिपकाया है इसको भी। तो चलनी कंप्लीट हो गई है। अब जो मैंने जाली निकाल के रखी थी, मैंने थोड़ी बड़ी वाली जाली लगाई है। ये देखिए, जाली भी लगा ली है, और ये थाली मैंने पहले ही बनाई थी दुर्गा पूजा में, नवरात्र में। और थाली हो गई है, छलनी हो गई है, लोटा हो गया है, दिया और सब कुछ कंप्लीट हो गया है। थाली का वीडियो अगर आपको देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, मिलती हूँ आपको नए किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।